नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है दिव्यांग जगत पर। एक लंबे अंतराल के बाद आज मैं आपके लिए एक ऐसी योजना पर आपको अपडेट देने जा रहा हूं, जिस योजना के बारे में आप जानने के लिए काफी उत्सुक है और मेरे पास लगातार व्हाट्सएप पर सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज भी आ रहे हैं, फोन भी आ रहे हैं। आप जानना चाहते हैं स्कूटी योजना के बारे में। देखो, सबसे पहले मैं जो आपको जानकारी दूंगा, वित्तीय वर्ष 2022-23 की अगर हम बात करें तो उसके अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5000 स्कूटियों की घोषणा की थी और वो 5000 स्कूटियां अभी तक बांटी जा रही है। जिन लोगों का पिछले वर्ष की योजना में चयन हो गया था, उन लोगों को विभाग की तरफ से मैसेज भी प्राप्त हो रहा है और जो शोरूम है जहां से गाड़ियां मिल रही है वहां की तरफ से भी एक मैसेज प्राप्त हो रहा है और ओटीपी वेरीफाई होने के बाद उन लोगों को गाड़ियां दी जा रही है। ये जो मैंने आपको बात बताई है, ये वित्तीय वर्ष 2022-23 की जानकारी है, मतलब 2022-23 में किस तरह से आवेदन फार्म लिए गए थे, यह भी आपको अच्छी तरह से पता है। अब हम बात करें वित्तीय वर्ष 2023-24 की। इस बजट में भी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने दिव्यांगों के लिए 5000 स्कूटियों की घोषणा की थी, जिसके लिए अभी 1 तारीख को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री टीकाराम जूली ने ऑनलाइन वेबसाइट का उद्घाटन भी कर दिया है और जल्दी ही अब उस पोर्टल के माध्यम से स्कूटी योजना के लिए आवेदन लिए जाएंगे। अब आप सबके मन में कई सवाल है, किन लोगों को यह स्कूटी मिलेगी, किस तरह मिलेगी, कब मिलेगी, क्यों मिलेगी। देखो, सबसे पहले तो आपको स्कूटी योजना के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन कैसे करना होगा इसकी जानकारी भी आपको दिव्यांग जगत लगातार देगा, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको लगातार अपडेट मिलती रहेगी। और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो दिव्यांग जगत के मेंबर बने हुए हैं, उनको भी हम लगातार अपडेट देते रहेंगे। सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं जो मेरे पास है, वो है कि 5 अप्रैल से इसी वर्ष इसी महीने की 5 तारीख से स्कूटी योजना के लिए फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे, ऐसा मुझे जानकारी मिली है। जो जानकारी मुझे मिली वो मैं आपको दूंगा, हो सकता है वो पूरी तरह सही नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं अगर थोड़ा सा भी 19-20 लगा तो मैं उसको आपको करेक्शन करके बताने का प्रयास करूंगा। इस योजना के लिए गत वर्ष जो उम्र सीमा थी वो 45 वर्ष थी, मतलब 45 वर्ष के लोग इस योजना में अप्लाई कर सकते थे। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस योजना के लिए उम्र सीमा बढ़ाई जा सकती है। उम्र सीमा कितनी बढ़ाई जा सकती है यह अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जब 3 दिसंबर विश्व विकलांग दिवस जो जयपुर में आयोजित किया गया था, उस कार्यक्रम में माननीय टीकाराम जी ने कहा था कि टेंशन की बात नहीं है, अब हम 60 वर्ष तक के लोगों से भी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवाएंगे। तो हो सकता है इस वर्ष 60 वर्ष तक के लोग स्कूटी योजना के लिए आवेदन करें। तो यह चीजें आपको अच्छी तरह से पता चल गई कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अब आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए अप्लाई करने के लिए? देखो, सबसे पहले तो आप राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए, आपके पास जन आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड नहीं बोला मैंने, जन आधार कार्ड। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए 40% का, आपके पास ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और अगर आप कहीं काम करते हैं, रोजगार करते हैं, तो जहां भी आप रोजगार करते हैं उस व्यक्ति के लेटर पेड पर यह लिखा हुआ होना चाहिए कि आप मेरे यहां इतने वर्षों से काम कर रहे हैं और आपको सैलरी के रूप में इतनी तनख्वाह दी जाती है। बहुत सामान्य प्रोसेस है जिसे आप आसानी से पूरा कर सकते हैं और स्कूटी योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखो साथियों, मैं एक और अहम जानकारी आपको दे रहा हूं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे 5 तारीख से अगर फॉर्म ऑनलाइन होते हैं तो हम लास्ट डेट का इंतजार करते हैं, ऐसा नहीं करें, क्योंकि मैं आपको यह क्यों बोल रहा हूं, ये चुनावी साल है, गए साल जो लेट हुआ वो इस साल नहीं हो सकता, क्योंकि इस साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव है,
सरकार जल्दी से फॉर्म भरवाएगी और जो चयनित लाभार्थी होंगे उनको स्कूटी योजना का लाभ भी जल्दी ही दिया जाएगा। और ये सारा प्रोसेस लगभग 1.5-2.5 महीने के अंदर कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसलिए फॉर्म भरते समय ऐसी कोई गुंजाइश नहीं छोड़े कि आपके फॉर्म पर किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट हो, किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन आए जिसकी पूर्ति करने में आपको महीनों लग जाए और फिर आप स्कूटी योजना से वंचित रह जाएं। ऐसा पिछली बार हुआ है, इसलिए मैं आपको ये सब महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दे रहा हूं। अगर अभी इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल रहता है जो आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कॉलिंग का एक समय निश्चित रहता है, कई बार मैं आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और इससे भी बढ़िया, अगर आप दिव्यांग जगत के मेंबर हैं तो आपको फिर तमाम जानकारियां अखबार के माध्यम से आपके घर पर मिल जाएगी। स्कूटी योजना 5,000 दिव्यांग फिर लाभान्वित होंगे और उन 5,000 दिव्यांगों को 5,000 स्कूटी मिलेगी। इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से तैयार करके ई मित्र पे जाएं। देखो ई मित्र वाला क्या करता है, अपनी एसएसओ आईडी से आपका फॉर्म अप्लाई कर देता है और जब आप फॉर्म अप्लाई करके आ जाते हैं तो आप सोचते हैं कि मेरा चयन तो निश्चित है। ऐसा नहीं होता है। आपने देखा होगा कंपटीशन एग्जाम देने के बाद हम लोग ये सोच लेते हैं कि हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको अपनी एसएसओ आईडी बनानी पड़ेगी, आपकी अपनी एसएसओ आईडी होनी चाहिए। वो आप अपने मोबाइल नंबर से बनवा सकते हैं, आप अपने नाम से बना सकते हैं, जिसका पासवर्ड आपके पास होना चाहिए केवल, जिसे आप कभी भी ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। अगर आप ई मित्र वाले की एसएसओ आईडी से स्कूटी योजना का फॉर्म भरवाएंगे और सोचिए कुछ समय बाद अगर ई मित्र वाले ने अपनी दुकान बंद कर दी तो फिर आपकी स्कूटी योजना का क्या होगा। अगर आप अपनी एसएसओ आईडी से फॉर्म ऑनलाइन करेंगे तो आप कभी भी उसका ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं। जहां तक मुझे जानकारी है, सरकार लगभग 1 महीने तक इस पोर्टल को खुला रखेगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन लेगी। इसलिए अब बार बार आप ये मत कहना कि डेट बढ़ाई जाए। किसी भी काम को करने के लिए 30 दिन का समय काफी होता है और सरकार लगभग 30 दिन हम लोगों को देगी कि आप लोग अप्लाई कीजिए। अधिकतर मेरे से राजस्थान के बाहर के लोग भी मुझे फोन करके मैसेज करके पूछते हैं। मैंने सर्वप्रथम ही बता दिया है कि यह योजना केवल राजस्थान के दिव्यांगों के लिए है। इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के दिव्यांग ले सकते हैं। उम्र भी मैंने आपको बता दी है और अगर फिर भी जो सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होगा उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना करके इसी YouTube चैनल पर दिव्यांग जगत के इस प्लेटफॉर्म पर आप देख पाएंगे, जिसके माध्यम से आपको पूरी जानकारी डेट टू डेट टाइम टू टाइम लगातार मिलती रहेगी। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे जरूर से शेयर करें ताकि दूसरे साथियों तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच जाए। स्कूटी योजना से जुड़े तमाम अपडेट आपको लगातार समय पर मिलते रहेंगे, लेकिन आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से अभी से बनवा लें। आपके पास मूल निवास होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास जन आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो सरकार की इस योजना के लिए आप पात्र घोषित हो जाएंगे, आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। किसी भी व्हीकल को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की सख्त आवश्यकता होती है। तो
मेरी जानकारी मैं आशा करता हूं आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी आपका कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो, कोई राय देना चाहते हो सकता है मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ गलत जानकारी दी हो, तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का भी एक वीडियो बना करके पोस्ट करूंगा, या कमेंट पढ़ने के बाद मेरे या मेरी टीम के द्वारा आपको उसी समय इसका रिप्लाई दिया जाएगा। और अगर आप दिव्यांग जगत के सदस्य बनना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा और घर बैठे आपको तमाम जानकारियां मिलेगी और दिव्यांग जगत के व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। धन्यवाद, देखते रहिए और इसी तरह अपना प्यार एवं समर्थन दिव्यांग जगत को देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।